नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नगर देपालपुर बैंक ऑफ इंडिया तहसील रोड शाखा देपालपुर में शाखा खुलते ही खाता धारक प्रवीण पिता वर्दी चंद जैन निवासी तहसील रोड देपालपुर बैंक में प्रवेश करते ही गार्ड के द्वारा अचानक चली गोली के कारण घायल हो गया। खबर लगते ही नगर देपालपुर में भय का माहौल छा गया। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गार्ड को अपनी कस्टडी में ले लिया गया। घायल व्यक्ति का नगर देपालपुर के महावीर अस्पताल में उपचार जारी है। इलाज कर रहे डॉक्टर नरेंद्र द्वारा एक्सरे और संबंधित जांच को लेकर ही स्पष्टीकरण किया जाएगा कि स्थिति नॉर्मल है या गंभीर। घटना को लेकर बैंक प्रबंधक अनिल राठौर का कहना है कि डेली रूटीन अनुसार गार्ड द्वारा बंदूक को लोड किए जाते समय घटना हुई है। बैंक द्वारा हर संभव उपचार कराया जाएगा। जहां एक और घायल हुआ व्यक्ति के परिवार में और जैन समाज में आक्रोश देखने को मिला है, वहीं दूसरी ओर सवाल गार्ड की नियुक्ति और फर्म की ट्रेनिंग को भी लेकर खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। खड़े थे या कुछ साफ सफाई कर रहे थे बंदूक की, उसी के दौरान वो गोली फायर हो गई है और ये जो जिनको लगी है वो गेट के बाहर खड़े थे, तो वो उनके पांव में गोली लग गई चलने के बाद। पीड़ित के लिए आप क्या करेंगे, बैंक की क्या करेगी? बैंक की जो भी पॉलिसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग इनका इलाज किया करवाया जाएगा। हायर ऑफिशियल्स को सूचना दे दी गई है, वो आ ही रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार की घटना आगे ना उसके लिए आप क्या करेंगे? एक्चुअली ये घटना कारण मतलब जानबूझ के नहीं की गई है, वो गार्ड साहब का जो रूटीन प्रोसेस होता होगा बंदूक का लोड करने का या साफ सफाई करने का, उसी के दौरान वो गोली फायर हुई है। आपका नाम, बैंक का नाम? मेरा नाम अनिल राठौर है, बैंक ऑफ इंडिया शाखा देपालपुर का ब्रांच मैनेजर हूँ जी। मिस्टर प्रवीण जैन देपालपुर को अभी उल्टे पैर में गोली लगने के कारण उपचार हेतु लेके आए हैं। मेरे द्वारा उन्हें देखा गया है, उन्हें उल्टे पैर में घुटने के जस्ट नीचे गोली लगी है, जहां खून का बहुत सारा जमाव है और छर्रे फैले हुए हैं। अभी उनकी स्थिति कोई जानलेवा नहीं है, उपचार के बाद वो ठीक हो जाएंगे। जी आपका नाम? मैं डॉक्टर नरेंद्र गुजर देवालपुर महाराज। बताइए। मैं प्रवीण जैन की पत्नी मिथिला जैन हूँ। मैं और हमारे बच्चे दोनों स्कूल गए हैं। हमने बैंक के पास सुरक्षित रूप से हमारे पति को रोज आना जाना करते हैं, बैंक के लिए आते जाते हैं। आज सुरक्षा बैंक के गार्ड के हाथ में रहती है और अब गार्ड पे सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी के लिए विश्वास कैसे किया जाएगा? यदि गार्ड ये हरकतें करेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो बैंक के गार्ड के किसी भी गार्ड पे कोई भी बीवी बच्चे अपने पति के लिए भरोसा नहीं करेंगे, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी जगह पे जाना पड़े, पर गार्ड के ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा। या तो गार्ड को पूरी ट्रेनिंग के साथ किसी भी ड्यूटी पे रखा जाए।